रिक्रूटमेंट 2023 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी सीआरपीएफ की ओर से बम्पर भर्ती निकाली गई है। आपको जहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है 2000 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। कैसे आपको आवेदन करना है, कब से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, कितने यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी कुछ वीडियो में दी गई है। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर हम इस भर्ती की फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होगा 80+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। आपकी जो आपको दौड़ लगानी होगी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए 6.5 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर के लिए 4 मिनट का समय आपको अभी यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट पिन कर दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है, यानी सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 2056 वैकेंसी दी गई। टोटल जो पोस्ट नेम होगा, टोटल आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैकेंसी दी गई है। ट्रेनमैन, जीडी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड, सबको यहां पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हो के नहीं अप्लाई तो भारतीय किसी भी कोने से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जब आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा 18,000 रुपये से लेकर 6900 रुपये पर मंथ तक आपको वेतन मिल जाएगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। एससी एसटी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी, यानी कि ये सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। और आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फिर बैंक चालान द्वारा या फिर आवेदन को पे भी कर पाएंगे। आपको जहाँ पर एज लिमिट रहेगा 18 से 32 रहेगा। ओबीसी वालों के लिए 18 से 35, एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 37। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक की जाएगी, यानी 1 जनवरी को आपकी एज ना तो 18 से कम हो, ना 32 से ज़्यादा हो। यानी कि जो यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसटी वालों 5 अंक दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 अंक छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल को पहले ही बता चुका हूँ, तो जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एड्रेस डिटेल, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधार कार्ड को होना बेहद जरूरी है। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहला आपको फिजिकल टेस्ट होगा, यानी दौड़ हाइट नापी जाएगी, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबसे लास्ट में फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। वो आपने किसी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया हुआ यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। अगर हम इस भर्ती के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इस भर्ती शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक है और फुल नोटिफिकेशन का लिंक है, उसको भी यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करा दी गई, यानी कि अपडेट वो भी यहाँ पर हो चुके हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे,
आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। आपको यहाँ पर आने समय इंपोर्टेंट लिंक्स, आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करना है और ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोटिस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको यहाँ पर दिया जानकारी दी गई है, शेयर पंप में होंगे 21,000 कुछ जवानों की भर्ती, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। एक बार आपको यहाँ पर रीड करना होगा और फुल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। फुल नोटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ है, जैसे फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं एक अलग से वीडियो भी लिया आपके लिए भी वो भी बना दूंगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, न्यूज कटिंग में यहाँ पर आ चुका है। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जैसे स्टार्ट होंगे तो मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इस भर्ती के इंपोर्टेंट डेट के बारे में भी आपको हमारी वेबसाइट पर अपडेट हुआ है, आप वहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।